नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडीज में। आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। साइक्लोन गाजा, जो कि अभी हमें तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिला, जिसने काफ़ी तबाही मचाई तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज़ में, उसे PFHR द्वारा नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 44th ऑल इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में स्टार्ट कर दी गई है, जो कि 3 दिन चलेगी, 27, 28 और 29। एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, बुलंदशहर और पुलिस ऑफिसर, जिसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया था, बॉम्ब लिंचिंग जिसकी वजह बताई जा रही थी, उसके अंदर एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में एक कॉलिन ओब्रेडी नाम के 33 वर्षीय युवक ने 54 डेज के अंदर एंटार्क्टिका को नॉर्थ टू साउथ 1600 किलोमीटर पूरा पार कर दिया है। ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने एंटार्क्टिका को नॉर्थ टू साउथ पूरा पार किया है 1600 किलोमीटर 54 डेज के अंदर। रशिया ने अपना सक्सेसफुल टेस्ट पूरा कर लिया है हाइपरसोनिक मिसाइल से रिलेटेड। 26,000 करोड़ रुपीज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की है हिमाचल प्रदेश को देने के लिए, ताकि वो अपने विभिन्न सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर सके। NIA ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने 12 लिए 10 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है, जिसकी संबंध उनका उनका कहना है कि इस्लामिक स्टेट से पाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास कर दिया गया है, जिसके फेवर में 238 वोट, जिसके अगेंस्ट में 12 वोट्स पड़े थे। इसे अभी राज्यसभा में भी पास होना बाकी। आगे बढ़ते हैं। भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग, जो कि इंडिया की विजिट पर हैं, इनसे काफ़ी कुछ आशाएं लगाई जा रही हैं इंडिया के द्वारा, ताकि इंडिया और भूटान के संबंध और अच्छे आगे देखने को। आइए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर 10 आवर्स के लिए 3G और 4G सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, जिसका कारण 11th इलेक्शंस बताया जा रहा है। कांग्रेस का 134 फाउंडेशन डे देखने को मिला, जिस दिन इसकी नींव रखी गई थी। राहुल गांधी ने इसका फ्लैग होस्ट करते हुए इसकी शुरुआत की। मद्रास के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया था, उससे रिलेटेड रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है। चंद्रबाबू नायडू ने, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हेडक्वार्टर कंस्ट्रक्शन के लिए सेक्रेटरी हेडक्वार्टर कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंड नींव रखी है कोंडम राजू पेलम में। कुछ करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। धन्यवाद।